अब देखिए सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है अनशिन पैसेज को सॉल्व करने का कि एक बार इसको पढ़ें और समझें उसके बाद सारे क्वेश्चन काफी यूए में बन जाते हैं तो इसका पहला भाग है कि माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन हेल्ड इन ग्रेट ओ बाई मैन काइंड दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूम दोज ब्रेव अस हैव ऑलवेज वांटेड टू देम यू सी द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल अ चैलेंज टू द ब्रेवरी ऑफ द ह्यूमन रेस तो देखिए माउंटेन्स जो है ना हमेशा मानवता को एक श्रद्धा के साथ भय पैदा करते थे और एक चुनौती देते थे ह्यूमंस को जितने ब्रेव आप होंगे उतना ज़्यादा वो उसको कानक्वेर या जितना चाहते थे और जितना बड़ा माउंटेन होगा उतना ज़्यादा उसमें रोमांच होगा और उतना ही ज़्यादा वो एक बहादुरी का परिचय होगा ह्यूमन रेस के लिए क्लाइंबिंग माउंटेंस इज एन एक्सपीरियंस दैट इज़ हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स यू आर इन अ ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट एंड वैन यू रीच द टॉप यू फील इनक्रेडिबल तो देखिए पहाड़ चढ़ना या पर्वत चढ़ना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता आप एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण में होते हैं और जब आप टॉप पे पहुंचते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय महसूस करते हैं कि आपने ये कर लिया बट यू ऑल्सो हैव टू क्लाइम डाउन लेकिन आपको नीचे भी आना होता है वही चीज़ वेन मोस्ट एक्सीडेंट्स है पेन और ये जब होता है तब तो बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती हैं पीपल आर टायर्ड इट गेट्स डार्क इट्स हार्डर लोग थके हुए होते हैं अंधेरा होता है और कठिन होता है सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स एलॉन्ग विद बिंग चैलेंजिंग एंड रिस्की फॉर द क्लाइंबर तो बिना कोई शक के माउंटेन क्लाइंबिंग जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध एडवेंचर स्पोर्ट है और हमेशा क्लाइंबर के लिए एक चुनौती पैदा करता है और रिस्की होता है अब देखिए इसको हमने पढ़ लिया और इससे जुड़े क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं फिर दूसरे को पढ़ के उससे जुड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन वन है कि वाई डज द राइटर से दैट माउंटेन्स इंस्पायर ओ इन ह्यूमन्स कि राइटर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि माउंटेन जो है ना वो एक युक्त भय पैदा करते हैं ह्यूमन्स में इसमें आप सन बोलता है कि दे अस विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स कि वे हमको एक्साइटिंग स्पोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी प्रजेंट करते हैं तो ऐसा तो हमने नहीं समझा है बी है दे यू वोक द वीज इन हस टू मास्टर देम कि वो हमारे अंदर में एक ऐसी भावना पैदा करते हैं कि हम उनको जीत लें यही इसका एंसर होगा कि एक ऐसा भय पैदा करते हैं जिसमें श्रद्धा हो जिसमें एक चुनौती हो सी है दे इंस्पायर इन अस डीट्स ऑफ वेलर ये भी नहीं होगा और डी है दे रिप्रेजेंट पीस एंड अ काम टू अस तो हमारे अंदर में शांति का एहसास करवाते हैं तो ऐसा तो नहीं है तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो कौन सा ऑप्शन ये जो रिलेशन है उसको सेलेक्ट कर रहा है या उसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल कि जितने इनक्रेडिबल माउंटेन्स होंगे उतना ही ज़्यादा रोमांच होगा तो देखिए द मोर और ग्रेटर पहला ऑप्शन देखिए द हायर द स्टेमिना द लोअर द फूड इनटेक तो यहाँ पे हार हायर और लोअर जो है ना उल्टा है तो नहीं होगा बी है द मोर यू लाफ द लेसर यू यूअर इलनेस यहाँ पे मोर और लेसर है ये भी नहीं होगा सी देखिए द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवाटेज यहाँ पे स्मॉलर और बिगर है ये भी नहीं होगा डी देखिए द हेवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी तो इसका डी ही होगा क्योंकि यहाँ पे हेवियर और हायर जो है ना दोनों मिल रहे हैं जैसे कि यहाँ पे मोर इनक्रेडिबल और ग्रेटर है अब क्वेश्चन थर्ड देखिए इसका किसोलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस आर द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग कि हमको ऑप्शन को बताना है कि राइटर क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो नीचे में लिखा हुआ है उसमें कि सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अन वन ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स कि यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि माउंटेन क्लाइंबिंग जो है ना बिना कोई शक के सबसे फेमस एडवेंचर स्पोर्ट्स है तो इसमें ए देखिए डाउट ये डाउट तो बताना नहीं चाहते हैं कोई शक इसमें है ही नहीं बी है कासन कोई सावधानी भी नहीं करना चाहते हैं सी जो है ना वो कन्विक्सन है तो ये जो है कन्विक्सन बताना चाहते हैं कन्विक्सन का मतलब होता है कि वो बता रहे हैं कि ये कन्फर्म है ये कन्विक्टेड है कि ये चीज़ दृढ़ता के साथ हम बोल सकते हैं कि ये मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स है तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और जो डिनायल है तो डिनायल भी नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को मना नहीं कर रहे हैं इसके बाद क्वेश्चन फोर है कंप्लीट द फॉलोइंग विद फ्रेज फ्राम पैराग्राफ वन कि पैराग्राफ वन के फ्रेज से इसको हम लोगों को कंप्लीट करना है इसमें ऑप्शन ओपिनियन इसमें हमको लिखना है और रीजन बता रहे हैं कि बेस्ट एक्सपीरियंसड रादर देन डिस्क्राइब कि जो माउंटेनरिंग है या माउंटेन चढ़ना है उसको हम बेस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के बजाय इसमें हमको ओपिनियन लिखना है तो चलिए इसको लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे ओपिनियन लिखेंगे कि आठ टू पुट इन वर्ड्स कि ऐसा चीज़ है जिसको हम शब्दों पे बयान नहीं कर सकते यही होगा बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब्ड का अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ना ये पैराग्राफ टू के ऊपर बेस्ड है तो हम लोग पैराग्राफ टू को पढ़ते हैं समझते हैं और फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को करते हैं विदाउट एनी परसिव्ड रिस्क देयर कैन बी अ फीलिंग दैट एनी सिग्निफिकेंट चैलेंज हैज बीन सर कि बिना कोई रिस्क के लिए आप एक अच्छा सफलता नहीं पा सकते फेयर बट वी हैव टू बीर इन माइंड दैट माउंटेनियरिंग इज नॉट ए स्पोर्ट दैट कैन बी एम्बरेज विदाउट प्रिपरेशन ये चीज़ तो सही है लेकिन हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि मॉन्टरिंग एक ऐसा खेल है जिसको आप बिना तैयारी के नहीं कर सकते द इंतुजाज मस्ट डेवलप इन दिमसेल्स द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर विलिंगनेस टू अंडरटेक हार्डशिप्स एंड रिस्क एक्स्ट्रनरी पावर्स ऑफ परसिविरेंस इन्ड्योरेंस एंड किन्नेस आर्पज़ बिफोर क्लाइंबिंग अ माउंटेन कि जो लोग चाहते हैं मॉन्ट्रिंग करना उनके अंदर में एडवेंचर होना चाहिए एडवेंचर की भावना होनी चाहिए रिस्क और कठिनाइयों को लेने की इच्छा होनी चाहिए और उसमें त्याग तपस्या बलिदान की तीव्र भावना होनी चाहिए एक माउंटेन चढ़ने से पहले दे शुड वल्सो नो हाउ टू हैंडल द मॉन्टेरिंग इक्विपमेंट उनको मॉन्टेरिंग इक्विपमेंट को हैंडल करना आना चाहिए देन कम्स द पिनेस ऑफ द रिवरस ट्रेनिंग और लगातार ट्रेनिंग करने की ट्रेनिंग से जुड़ी जो तपस्या है उसको करने का उनमें भावना होना चाहिए दिस कुड वेरी वेल बी द लाइफ लाइन अप देयर क्योंकि यही उनकी जिंदगी का कारण या मृत्यु का कारण हो सकता है ऊपर में इट हैल्स इनकलुकेट एंड अ हॉर्न सर्वाइवल इंस्टिंग्स दैट अलाउ द क्लाइंबर टू नेगोशिएट पेरिलियस सिचुएशंस और इसी से उनके जो सर्वाइवल इंस्टिंग्स हैं उनको धार मिलेगा या वो उसको पूरा कर सकते हैं और जो क्लाइंबर हैं उस कठिन चुनौतियों को या कठिन परिस्थितियों के साथ निगोशिएट कर पाएंगे देर आर न्यूविर इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड अब्रॉड दैट अफॉर सच ट्रेनिंग बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में भी और बाहर में भी जो इस प्रकार का ट्रेनिंग देते हैं अब चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसमें क्वेश्चन फाइव है कि द राइटर कंपियास ट्रेनिंग टू पिनेस इन द लाइन देन कम्स द पिनेस ऑफ द रिवरस ट्रेनिंग तो देखिए हमने समझा है कि मॉनिटरिंग करने के लिए लगातार ट्रेनिंग करने का जो तपस्या समान कार्य है वो बहुत आवश्यक है इसमें क्वेश्चन बोलता है कि स्टेट वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन ट्रेनिंग एंड द पिनेस तो ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण होता है पिनेस माने होता है तपस्या तो इसके बीच में हमको एक पॉइंट लिखना है कि दोनों में क्या सिमिलारिटी है तो चलिए इसको लिखते हैं तो देखिए इसके आंसर हमें लिखेंगे कि वेरी डिफ़िकल्ट कि जो ट्रेनिंग और पिनेस है जैसे कि मैंने समझाया कि ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण होता है और पिनेस मैंने तपस्या होता है इनके बीच में जो सिमिलरिटी है वो है कि ये दोनों बहुत कठिन है वेरी डिफ़िकल्ट या आप लिख सकते हैं रिक्वायर्स परस्यवरेंस कि इसमें प्रस्यूरेंस की बहुत ज़्यादा दृढ़ता की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इन दोनों को करने के लिए क्वेश्चन सिक्स है कि बेस्ड ऑन योअर रीडिंग टू द टेक्स्ट लिस्ट टू रीजन्स वाई द राइटर्स इज दैट माउंटेनरिंग इज नॉट ए स्पोर्ट दैट कैन बी embraced विदाउट प्रिपरेशन कि हमने जो पढ़ा है पैराग्राफ टू में तो उससे हमने समझा है कि राइटर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मॉनिटरिंग एक ऐसा खेल नहीं है जिसको आप बिना तैयारी के करें मने तैयारी के साथ ही आप मॉनिटरिंग करेंगे तो ठीक है उसके बिना आप इसको कर ही नहीं सकते तो दो रीजन हमको इसमें बताना है तो चलिए दो रीजन इसको हम लोग लिखते हैं तो देखिए इसके आंसर में हम लोग पहला इसमें लिखेंगे कि बिकाज मैनेजिंग अनप्रडिक्टेबल वेदर इज इसशियल इन मॉन्टेरिंग एंड कैन नॉट बी ए कम्प्लीट विदाउट बिंग प्रिपेयर विथ स्पेसिफिक ट्रेनिंग तो देखिए जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है उसके लिए बहुत जरूरी है माउंटेनरिंग में और ये चीज़ें जो है ना बिना विशिष्ट ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के पूरी नहीं हो सकती सेकेंड में हम लोग लिखेंगे कि बिकॉज माउंटेनरिंग इंक्लूड्स डीलिंग विथ सेवरल हेल्थ हज आर्ट्स देट कैन नॉट बी मैनेज विदाउट प्रिपरेशन तो बिना ट्रेनिंग के आप जो डीलिंग है जो आप डील करेंगे या जो सामना करेंगे जब आप माउंटेन को चढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आपके हेल्थ के हजार्स होंगे जैसे कि हम पैसेज में समझ चुके हैं उसको मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आप ट्रेनिंग करें या इसका प्रिपरेशन करें इसके बिना यह संभव नहीं है अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन जो है ना वो पैराग्राफ थ्री से है सेवन और एट तो पैराग्राफ थ्री को पढ़ते हैं समझते हैं और इसके आंसर को हम लोग फिर करते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स आर यूनानिमस इन एग्रींग दैट द अनप्रिडिक्टेबल वेदर इज वाट द फेयर द मोस्ट दे आर मे बी सन शाइन वन मोमेंट एंड द स्नो इज टॉम दर एट हायर आल्टीट्यूड्स स्नो इज अ रेगुलर फीचर एंड अ बींग डिसिव अबाउट सेटिंग अप केम्प आर प्रोसीडिंग फरदर इज क्रिशियल तो देखिए माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं एक चीज़ में सभी सहमत हैं कि जो वेदर होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है उसके बारे में कोई नहीं जानता वही इस खतरे का सबसे बड़ा कारण है एक बार ऐसा होगा कि एक तरफ सूर्य आ रहा है सनसाइन हो रहा है और दूसरी तरफ बर्फ़ का तूफान आ रहा है और हायर एल्टीट्यूड्स पे ऊंचाई पे एक रेगुलर फीचर है कि वहाँ पे बर्फ़ गिरता है और जो कैम्प सेट करना है उसके लिए एक डिसाइसिव फैक्टर होता है या आगे बढ़ने का जो फैसला है उसको लेने के लिए द आईसी सीट्स आफ्टर आइस स्टाम्स मेक वॉकिंग ट्रेचरस वाइल्ड द पाउडर स्नो मेक्स अ माउंटेनियर सिंग डीप इन टू द स्नो तो जो तूफान आता है बर्फ़ का उसमें जो आईसी सीट होता है उससे चलना जो है ना काफ़ी ज़्यादा धोखा वाला हो जाता है कि कहीं पे भी आप चल रहे हैं अचानक उसमें आप दब गए डूब गए और जो पाउडरी स्नो होता है वो क्या करता है मॉन्ट्रियर के जो पैर हैं या उसको डुबा सकता है स्नो में अब दे आर वेयर द इंटेंशन इज टू इम्बरेस नेचर वंडर वन रियलाइजेज दैट इट कैन नॉट बी डन विदाउट फेसिंग इट्स अ फर्म्यूडेबल ग्लोरी और वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रमाणित है कि अगर आप नेचर को जितना चाहते हैं नेचर के वंडर को जितना चाहते हैं तो ये जो है बिना उसके जो फर्म्यूडेबल ग्लोरी है उसको फेस किए बिना आपको नहीं मिलेगा ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन यट इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ द नेचर और एक सच्चा माउंटेनियर वही है जो माउंटेन को चैलेंज तो करेगा लेकिन साथ ही साथ जो पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं प्रकृति की जो ताकतें हैं उनका वो रिस्पेक्ट भी करेगा अब चलिए इसके प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं इसमें क्वेश्चन सेवन है कि वाट कनेक्ट डर ड्रा आउट बिटवीन अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड सेटिंग अप केम्स कि किस प्रकार का कनेक्ट राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर है और किस कैसे वो वेदर जो है ना डिसाइड करता है कि जो सेटिंग ऑफ कैंप्स है वो होगा इसके लिए हमको यहाँ पे लिखना तो है वेदर और कैंप्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको लिखेंगे कि इफ द वेदर इज अनप्रडिक्टेबल इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिसाइड वेन टू सेट अप कैम्प एज माउंटेनियर्स वुड प्रिफर टू क्लाइम वेन इट्स सनी एंड द कैम्प वैन इट्स स्नोइंग तो देखिए वेदर ही अनप्रडिक्टेबल होता है और इसी से इस चीज़ को डिसाइड करना काफ़ी कठिन हो जाता है कि कैंप कैसे लगाएं माउंटेनियर लोग तो लोग क्या करते हैं जब सनी होता है तो क्लाइम करना चढ़ना पसंद करते हैं और जब बर्फ़ गिरते रहता है स्नोइंग होते रहता है तो वो लोग कैंप लगा लेते हैं इसमें क्वेश्चन एट है कि द राइटर सेज अ ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन यट इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेज ऑफ नेचर कि एक सच्चा माउंटेनियर वही है जो कि माउंटेन को चैलेंज करे लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक गहरा रिस्पेक्ट होना चाहिए जो पावरफुल फोर्सेज ऑफ नेचर हैं उनको लेकर सेलेक्ट द रीजन द माउंटेनियर इज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्सेस ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन्स रीजन हो सकता है कि जो माउंटेनियर है वो रिस्पेक्टफुल है फोर्सेस ऑफ नेचर के लिए माउंटेन के ऊपर में ऑप्शन ए है सर्वाइवल बिल्कुल यही कारण है कि उसके बिना वो सर्वाइव होगा ही नहीं अगर नेचर उसको चाहेगा तुरंत मार देगा भी देगी एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस के लिए तो नहीं है अनुभव के लिए नहीं है ना ये परंपरा या ट्रेडिशन के लिए नहीं है ना ये डायरेक्टिव के लिए है अब इसमें क्वेश्चन नाइन और टेन जो है ना पैसेज के नेक्स्ट पार्ट से रिलेटेड हैं उसको पढ़ते हैं समझते हैं और इनके एंसर्स को हम लोग करते हैं समिटिंग माउंटेन्स केरीज इट्स ओन हेल्थ रिस्क सच एज ऑक्सीजन अल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम्स फास्ट वाइट स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फिट फ्लूड कनेक्शन इन ब्रेन आर लंग्स एंड एग्जासन तो देखिए माउंटेन चढ़ना जो है ना अपने आप में कई सारे हेल्थ रिस्क को लेके आता है जैसे कि ऑक्सीजन की कमी होना ऊंचाई वाला बीमारी होना और बर्फ़ फास्ट वाइट होना हाथ पैर का फूलना ब्रेन में फ्लूड कलेक्शन का होना लंग में फ्लूड कलेक्शन का होना और बहुत ज़्यादा थक जाना ये द ग्रेटिफिकेशन माउंटेनियर्स फील फ्राम मॉन्सटरिंग समथिंग थिंग दैट इज सो फ्राइटनिंग अरजेस्ट देम टू अंडरटेक दिज इंडेवर्स लेकिन जो ग्रेटिफिकेशन है माउंटेनियर्स का वो फील करते हैं कि इन चीज़ों को जीतना जो है इन डरों को जीतना उनको और ज्यादा ताकत देता है उनके अंदर में प्रयासों को बढ़ाता है इंड्योरेंस को बढ़ाता है वी मे थिंक दैर द माउंटेनियर्स आर फीयरेशस एक्सपर्ट सेस नॉट एट ऑल हम सोच सकते हैं कि जो पहाड़ चढ़ने वाले हैं पर्वतारोही हैं माउंटेनियर्स हैं वो निर्भीक होते हैं लेकिन एक्सपर्ट बोलते हैं कि ऐसा नहीं है इट्स फेयर दैट किव्स देम टू इंट्रीग्यूड विथ सच आडुअस जर्नी कि ये जो डर होता है उनके अंदर में वही उनको बांधे रहता है इस प्रकार की कठिनाई वाले जर्नी को करने के लिए इम्पल्स एंड एवरेजनेसनेस कैन बी डेडली फो और हड़बड़ाना या किसी प्रकार का हड़बड़ी दिखाना बेशर्मी दिखाना वो जो है यहाँ पे मृत्यु समान हो सकता है घातक शत्रु हो सकता है इन द वर्ड्स ऑफ द इंडियन माउंटेनियर बेजेंद्रीपाल इंडियन माउंटेनियर बेजेंद्रीपाल के शब्दों के अनुसार द बिगेस्ट रिस्क इज टू नॉट टू टेक द रिस्क एट ऑल सबसे बड़ा रिस्क यही है कि कोई रिस्क न ले रिमेंबर दैट ये चीज़ हमको याद रखना चाहिए तो इसमें रिस्क तो है लेकिन उसके जीतने का आनंद जो है ना बिल्कुल अलग होता है अब चलिए इसके प्रश्नों को करते हैं इसमें क्वेश्चन नाइन है कि सप्लाई वन पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग वाइल्ड माउंटेन क्लाइंबिंग एन इम्पल्सिव माउंटेनियर इज अदर डिजास्टर प्रोन आर एज गुड एज डेड कि माउंटेन क्लाइंबिंग के समय में एक इम्पल्सिव माउंटेनियर जो है हड़बड़ने वाला माउंटेनियर जो है या तो वो डिजास्टर प्रोन है या मरे हुए के समान है तो हमने अच्छे से समझा हुआ है फोर्थ तो पार्ट में चलिए इस कैंसर को लिखते हैं माउंटेनियरिंग में इम्पल्सिव माउंटेनियर का कोई भी रोल नहीं होता इसका रीजन यहाँ पे लिखेंगे कि सर्वाइवल इज की इन माउंटेन क्लाइंबिंग एंड इट कैन बी डन विथ मेटिकुलसली प्लानिंग क्योंकि बचे रहना ही माउंटेन क्लाइंबिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हो सकता है जब आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करेंगे इट हैज़ नो रूम फॉर रेस एक्शंस एज दीज वु लीड टू फर्टिलिटीज यहाँ पे हड़बड़ी में किए गए एक्शंस का कोई जगह नहीं है इससे क्या होगा फर्टिलिटीज होगा या हानियाँ होंगी या नुकसान होगा क्वेश्चन टेन है यू द इन इनएप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फीलिंग ऑफ एक्जन आ रीचिंग अ समिट देर द माउंटेन क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस तो हमको बताना है कौन सा रीजन जो है ना इसमें इन अप्रोप्रिएट है कि जो एक माउंटेन क्लाइंबर महसूस करते हैं जब वो समिट पर पहुँच जाते हैं तब इसमें ऑप्शन ए बोलता है अचीवमेंट ऑफ अ सिमिंगली इम्पॉसिबल फिट तो ऐसा तो रियल में महसूस करते हैं ऐसा लगता है कि जो संभव है वो संभव हो चुका है बी है एक्सपेक्टिकुलर पेनोरोमिक व्यू वहाँ पे का जो दृश्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनोरामिक या सुंदर होता है ये तो अप्रोप्रिएट है इनअप्रोप्रिएट नहीं है सी है एप्लीकेशन ऑफ द इनकैल्किटेड सर्वाइवल इंस्टिंग्स और उनके अंदर में जो सर्वाइवल इंस्टिंग्स हैं उसका पूरा वो अप्लीकेशन करते हैं यूज करते हैं ये भी अप्रोप्रिएटेड है डी है अपॉर्चुनिटी टू यूज़ सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट अब वहाँ पे चढ़ने के बाद वो क्यों यूज़ करेंगे जो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट होगा उसको तो इसका डी ही जो है ना इनअप्रोप्रिएट है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा